हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस कंपनी की शेयर प्राइस 269.30 रुपये है और आज के दिन 7.5% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 8% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 20% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 16.5% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 60% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऑलमोस्ट 350 रुपये का स्टॉक आज हमें 270 रुपये पे देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में 201% के पॉजिटिव रिटर्न दिए और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 36,790% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। लॉन्ग टर्म में इस कंपनीज ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और जैसा कि आप यहां देख सकते हो, 2006 में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, 2008 में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली, उसके बाद 2010 में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इस कंपनीज ने दिया है। फिर 2017 में स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, देन 2020 में भी ये स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिला था। यानी इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड बिजनेस की बात करें, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड गियर्स प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड फील्ड ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल सेक्टर में काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,487 करोड़ का है, स्टॉक का लो 166 रुपये, स्टॉक का है 374 रुपये। पी की बात करें तो 16.1 है, बुक वैल्यू 79 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 1.21% है, आरओसी 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, फेस वैल्यू 1 रुपये की है और प्रमोटर होल्डिंग 68% है, डेप्ट इक्विटी 0.82 है, यानी 1575 करोड़ का डेप्ट देखने को मिला है। यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, जो कि कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला था, अभी कंपनी का जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स की बात करें उसमें काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला 636 करोड़, जो कि अभी यहाँ ऑलमोस्ट 600 करोड़ देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ का देखने को मिला। इसी के साथ साथ रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिले और इसके साथ ही कंपनी का जो बोरोइंग से उसमें भी तेजी देखने को मिली, यानी 990 करोड़ से 1600 करोड़ का बोरोइंग से, जो कि कंपनीज के लिए थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स के पास 68% के स्टेक्स हैं, FIIs के पास 5% के स्टेक्स हैं और DIIs के पास 4.85% के स्टेक्स हैं और बाकी पब्लिक होल्डिंग 21% हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ यहां बात करें कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस पे कि कंपनी ने कब डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट किया है, तो आप यहां देख सकते हो कंपनी यहां पर कंटिन्यूस 2001 से डिविडेंड दे रही है और यहाँ कंपनी ने बाईबैक लेकर आई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया है और 22 में भी 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो क्या इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जी दोस्तों, अगर आप अपने शेयर्स पेशेंस के साथ होल्ड रख सकते हो तो इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में जितनी बड़ी गिरावट होती है उतना ही ये स्टॉक तेज़ी से भागते हुए देखने को मिलता है। अगर आप इस कंपनी में पेशेंस रख सकते हो तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। वैसे कंपनी के फंडामेंटल्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, बट अगर आप पेशेंस रखोगे तो ही कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे सकेगी, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर रहने चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू।